नमस्कार, सुपर किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही सॉफ्ट फ्लफी ढोकला, जो आप सबको बहुत पसंद आएगा। सुबह के ब्रेकफास्ट में आप इसे बना सकती हैं। इसमें ना कोई तेल ना मसाला कुछ भी यूज नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी ये बहुत बढ़िया लगता है। तो चलिए हम बनाते हैं। ये देखिए, मैंने लिया है एक कटोरी बेसन। इसको हम एक बोल में निकाल लेते हैं और इसी में हम ये नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। इसी में आधा चम्मच से थोड़ा कम मिर्च पाउडर डाल देंगे। आप तीखा अपने हिसाब से डाल सकती हैं, और आधा चम्मच हल्दी पाउडर। इसे कलर बहुत बढ़िया आएगा। अब इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका बैटर तैयार करेंगे। ये देखिए, इसमें हमको और पानी ज़रूरत है, और पानी डालेंगे। ये देखिए, हमारा तैयार हो गया है। बिल्कुल इसी तरह हमारी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब हम चम्मच से दिखा देते हैं। ये देखिए, बिल्कुल इसी तरह होना चाहिए। अब इसको हम 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे सेट होने के लिए। ये 10 मिनट हो गया है। इसमें हम एक चम्मच इनो डालेंगे। बस इनो को फटाफट से हम डाल के इसको तैयार कर लेंगे। और एक बर्तन लेंगे, उसी में हम इसको पकाएंगे। ये देखिए, बहुत देर इसको नहीं फेंटना है, बस थोड़ा सा मिला लेंगे। और इसमें हम घी से ग्रीस कर लेते हैं बर्तन में। ये देखिए, अच्छे से हमको ग्रीस करना है ताकि चिपके ना। और इसी में हम फटाफट से बैटर को इसमें डाल देंगे। बहुत देर हमको नहीं करना है, क्योंकि हमने इनो डाला है इसमें, तो हमको तुरंत पकाना पड़ेगा। मैंने पानी चढ़ा दिया है, पानी खौलने लगा है। बस ये रेडी हो गया। अब इसको हम रख देते हैं उसी में। ये देखिए, भाप निकल रहा है। बस फटाफट से इसको ढक देंगे और 15 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे। 15 मिनट हो गया है। अब हम चेक कर लेते हैं नाइफ़ के हेल्प से। हम इसको देखेंगे कि पका है कि नहीं। ये देखिए, बिल्कुल क्लीन है हमारा नाइफ़, यानी ये भाप में पक गया है। ये देखिए, मैंने इसको पलट के रख दिया था, ठंडा हो गया है। इसको हम काट लेते हैं। ये देखिए, कितना अच्छे से कट रहा है, बिल्कुल सॉफ्ट और फ्लफी है। ये देखिए, बहुत बढ़िया हमारा ढोकला तैयार हुआ है। ये अपने मन चाहे पीसेस में आप काट सकती हैं। देखिए, मैंने कट कर लिया है। देखिए कितना फ्लफी हमारा ढोकला तैयार हुआ है। अब हम तड़का पैन लेते हैं। उसमें हम तड़का का ये देखिए मिर्च लिए हैं, और ये कड़ी पत्ता, और ये राई है। ये पैन मैंने चढ़ा दिया है। इसमें मैंने थोड़ा आधा चम्मच घी डाल देंगे। ये मेल्ट होने लगा, इसी में हम हरी मिर्च डाल देते हैं और राई डाल देंगे। और दोनों को 2 मिनट इसी तरह हम तलेंगे। फिर इसके बाद हम मीठी नीम डालेंगे, कड़ी पत्ता। ये देखिए, थोड़ी देर हम इसको तलने के बाद भी कड़ी पत्ता डालेंगे। देखिए, मैंने काफ़ी सारा कड़ी पत्ता डाल दिया है, क्योंकि हमारे यहाँ इसका पेड़ है। मैंने बच्चे से कहा कि कड़ी पत्ता तोड़ लाओ, तो ढेर सारा तोड़ लाए हैं, तो मैंने पूरा ही पूरा डाल दिया। और आधा हम कप पानी डाल देंगे। इसी में एक चम्मच चीनी डाल दिया मैंने। अब इसको हम 2-3 मिनट इसी तरह पका लेंगे। इसमें हम कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, इसे कलर बहुत बढ़िया आएगा। इसको 2 मिनट के लिए हम पका लेंगे ताकि कलर इसमें अच्छा आ जाए। हम गैस ऑफ कर दिए हैं। अब इसमें हम ढोकले में सारे पानी को हम डाल देंगे ताकि अच्छे से ये अंदर तक चला जाए। ये देखिए, इतना बढ़िया हमारा ढोकला दिख रहा है। सारे में धीरे धीरे हम डालते जाएंगे। हमारा सॉफ्ट और फ्लफी ढोकला तैयार है। आप सुबह के नाश्ते में इसको ज़रूर बना सकती हैं। ये बहुत ही लाइट ब्रेकफास्ट होता है, कोई नुकसान भी नहीं करता है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा। थैंक यू।